हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई के संबंध में अध्ययन करेंगे। जिस तरह से एक दीवार का निर्माण करने वाली उसकी सबसे छोटी इकाई उसकी एक ईंट होती है, उसी तरह से विभिन्न जंतुओं एवं पौधों के शरीर की सबसे सूक्ष्म निर्माणकारी इकाई एक कोशिका होती है। तो सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से बोतल पर लगने वाली कार्क के पतली परत का अध्ययन किया, जिसमें उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के कोष्ठकों जैसी अनेक संरचनाएं दिखाई दी, जिसका नाम उन्होंने रखा शेला। शेला मीन्स हालो स्पेस। चूंकि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जिस माइक्रोस्कोप की सहायता से बोतल पर लगने वाली कार्क का अध्ययन किया था, वो सिंपल माइक्रोस्कोप थी और कार्क पौधे के का मृत भाग था, इसलिए वह केवल उसकी कोशिका भित्ति को ही देख पाए थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा था शेला द हालो स्पेस यानी कोशिका खाली स्थान। और उनका यह वर्णन यानी रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जो खोज किया था उनका यह वर्णन सन 1665 ईस्वी में उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में वर्णन किया गया। इसके बाद जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की परिभाषा दी उसमें उन्होंने लिखा कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी यानी कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम निर्माणकारी इकाई है। इसके बाद सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लेवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने दांतों के खुरचे हुए मैल और गंदे जल का कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन किया, जिसमें उन्हें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई दिए, जिसका नाम रखा उन्होंने टिन्नी एनिमल क्यूल्स सूक्ष्म जंतु। और लिनियस नामक वैज्ञानिक ने इन सूक्ष्म जंतुओं को वर्मिस में रखा। लेकिन एरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने उन्हीं सूक्ष्म जंतुकों को बैक्टीरिया नाम दिया। अर्थात सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लेवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से टिन्नी एनिमलक्यूल्स का अध्ययन किया था वह जीवित कोशिकाएं थी और वह जीवाणु कोशिकाएं थी। तो प्रश्न दो तरह से आता है, यदि यह पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया तो आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया। लेकिन यह प्रश्न पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया तो आप लिखेंगे कि एंटोनी वॉन लेवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। और साइटोलॉजी जिसे आप कोशिका विज्ञान कहते हैं वह विज्ञान की एक ब्रांच है, जीव विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ सेल्स। इसके बाद तो विभिन्न प्रकार के माइक्रोस्कोप बनने लगी और डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य की खोज किया, लेकिन उसका नाम रख दिया था सार्कोड। पुरकिंजिया नामक वैज्ञानिक ने उसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया और रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक की खोज कर लिया। फ्लेमिंग और मूरे नामक वैज्ञानिक ने विभाजित होती हुई कोशिका को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा और विर्को नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही
निर्मित होती है यानी ओमनी सेलुला ई सेलुला और कोशिका के बारे में बहुत सारी जानकारी हुई। विभिन्न प्रकार के माइक्रोस्कोप बनने लगी और कोशिका में होने वाली बहुत सारी उपापचयी क्रियाओं के बारे में जानकारी हो गई तो कोशिका की परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया और कहा गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी यानी कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं सेल इज नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी बट इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी ऑल्सो यानी कोशिका शरीर की केवल संरचनात्मक इकाई ही नहीं है बल्कि यह एक क्रियात्मक इकाई भी है। इसके बाद नल और रुष्का नामक वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कर लिया और भी अच्छी माइक्रोस्कोप बनने लगी जैसे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप लुमिनेशंस माइक्रोस्कोप इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी माइक्रोस्कोप बनने लगी जिसमें कोशिका के अंदर की उपापचयी क्रियाओं को देखा गया और कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स थे उनको यथावत स्थिति में यथावत कलर में देखा गया और जब कोशिका के चारों तरफ जीवद्रव्य कला की खोज हो गई और जीवद्रव्य के बारे में विस्तृत जानकारी हो गई वान मोल नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन बता दिया तो इसके और वैज्ञानिकों ने विभाजित होती हुई कोशिकाओं को देख लिया तब इसके बाद सेल की परिभाषा में थोड़ा सा और परिवर्तन हो गया और यही सेल की लेटेस्ट डेफिनेशन है। सेल की लेटेस्ट डेफिनेशन जो दी जाती है वह कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी बाउंडेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड हैव ए कैपेसिटी टू सेल्फ रिप्रोड्यूस यानी कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो अवकलीय पारगम्य कला से घिरी होती है जिसमें प्रायः स्वजनन की सामर्थ्य होती है और कोशिका में वे सभी जैविक क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से जीवन कह सकते हैं या जिसे आप इस तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसमें बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं जिसे हम सामूहिक रूप से जीवन कह सकते हैं जीवन कहते हैं। इसके बाद सन 1824 ईस्वी में दत्तरोचित नामक वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी दिया कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। वास्तव में यह कोशिका सिद्धांत नहीं है यह एक कोई सिद्धांत नहीं है यह एक वाद है जिसको सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। परंतु इसके बाद सन 1838-39 में वनस्पति वैज्ञानिक एम जे स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडोर स्वान नामक वैज्ञानिक ने सेल थियरी को ठीक ढंग से परिभाषित किया यानी सन 1824 ईस्वी में दत्तरोचित नामक वैज्ञानिक ने सेल थियरी दिया परंतु स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने सन 1838-39 में सेल थियरी को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया और सेल थ्योरी का वास्तविक श्रेय स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। सेल थ्योरी में नंबर 1 पॉइंट दिया गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। नंबर 2 उसमें यह कहा गया कि कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है यानी प्रत्येक कोशिका अपनी जीवित पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही विभाजन के फलस्वरूप बनती है यानी ओमनी सेलुला ई सेलुला प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विभाजन के फलस्वरूप ही बनती है। इसको ही लॉ ऑफ सेल लिनिएज कहा जाता है यानी कोशिका की वंश परंपरा कहा जाता है और रॉबर्ट विर्को नामक वैज्ञानिक ने लॉ ऑफ सेल लिनिएज दिया। और जो तीसरा पॉइंट कहा जाता है कि सेल थियरी में कि कोशिका पहले पॉइंट में हमने आपको बताया कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरे पॉइंट में हमने यह बताया आपको कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विभाजन के फलस्वरूप ही बनती है और तीसरा जो पॉइंट कहा जाता है यानी
कि जो कोशिकाएं होती हैं इसमें स्वजनन की सामर्थ्य होती है। तो इस तरह से स्लाइडेन और श्वान नामक वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया और रॉबर्ट विर्को नामक वैज्ञानिक ने इसको पुनः संशोधित भी किया। इसके बाद आपके कोर्स में जो बताया जाता है उसमें यह है कि जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, यह सामान्यतया 1-2 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर व्यास तक की होती हैं, परंतु कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जो इससे कम व्यास की भी हैं, जैसे PPLO अब तक देखी गई सबसे छोटी जीवित कोशिका है। PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका जो व्यास है यह 1 माइक्रोमीटर तक होता है। इसकी खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने पशुओं में किया था। पशुओं में होने वाला जो निमोनिया रोग है उसी के कारण की खोज को कर रहे थे, तो इन्हें पता चला कि यह एक प्रकार के ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है और उसका नाम रखा इन्होंने इसीलिए PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम भी कहा जाता है। यह कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है, ग्राम निगेटिव होता है, परंतु कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जो सामान्यतः जो कोशिकाओं का आकार बताया गया है 1-2 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक, इससे अधिक लंबी और अधिक व्यास की भी होती हैं। जैसे जो ऑस्ट्रिच एग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, इसकी लंबाई लगभग 170 मिलीमीटर होती है। एस्टेबुलेरिया नामक एक कोशिकीय शैवाल जिसकी एक कोशिका की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। और इससे भी बड़ी कोशिकाओं के बारे में भी हम लोगों को आज जानकारी हो चुकी है। जो न्यूरॉन सेल होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है, मनुष्य में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। यानी एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। और एक यूनिक बात इसके बारे में और भी मैं आपको बताऊं कि जो न्यूरॉन सेल होती है यह सदैव इंटरफेज अवस्था में रहती है और इसमें कभी विभाजन नहीं होता है, केवल इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो यह न्यूरॉन सेल एक ऐसी सेल है जो शरीर मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और यह सदैव इंटरफेज अवस्था में रहती है। जितना बच्चों में इसकी संख्या होती है उतना ही वयस्क में और वृद्ध व्यक्ति में ही होती है, क्योंकि यह सदैव इंटरफेज अवस्था में रहती है। इसके बाद कोलर्पा नामक एक कोशिकीय शैवाल में एक कोशिका की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। तो इस तरह से हमने सबसे छोटी कोशिका आपको बताया, यानी अब तक देखी गई सबसे छोटी कोशिका PPLO है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है, यानी तंत्रिका कोशिका होती है, जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। और कोलर्पा नामक एक कोशिकीय शैवाल में एक कोशिका की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। अब जो कोशिकाएं होती हैं इसमें केंद्रक के पूर्ण रूप से विकसित और पूर्ण रूप से विकसित न होने के आधार पर यह कोशिकाएं 2 तरह की होती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। प्रो जो शब्द रखा गया है, प्रो कैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियाटिक जो शब्द लिया गया है, कैरियाटिक लिया गया है लैटिन वर्ड कैरियान से। कैरियान मीन्स न्यूक्लियस, केंद्रक यानी प्रिमिटिव माने आद्य,
अल्पविकसित, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस माने केंद्रक, यानी ऐसी कोशिकाएं जिसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, अध केंद्रक होता है, ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवालों में पाई जाती हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, यह जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवालों के अतिरिक्त सभी जंतुओं और पौधों में पाई जाती हैं। यदि यह यूकैरियोटिक जो शब्द लिया गया है, यूकैरियोटिक, यू मीन्स वेल डेवलप्ड और कैरियाटिक मीन्स कैरियन, कैरियन माने न्यूक्लियस, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवालों के अतिरिक्त सभी जीवों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। यदि यह यूकैरियोटिक सेल पौधों के शरीर में पाई जाती हैं तो उसको प्लांट सेल कहा जाता है। अगर यह यूकैरियोटिक सेल जिसमें कि केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, यह जंतुओं के शरीर में पाई जाती हैं तो उसको एनिमल सेल कहा जाता है। अब जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में काफ़ी अंतर है। उसमें जो बेसिक मूलभूत अंतर मैं आपको बताऊं कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल के चारों तरफ सेलुलोज की बनी हुई दृढ़ और निर्जीव सेलवाल होती है, परंतु जो एनिमल सेल होती है इसमें यह सेलवाल नहीं होती है। यानी एनिमल सेल में जो सबसे बाहरी आवरण होता है यह इसका प्लाज्मा लेमा होता है, जीव द्रव्य कला होती है, और प्लांट सेल में सबसे बाहरी आवरण सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, यह दृढ़ और निर्जीव होती है, जो कोशिका को एक दृढ़ आकार प्रदान करती है। प्रायः जो कोशिकाएं होती हैं यह पॉलीगोनल होती हैं अथवा गोल होती हैं। प्रायः जो कोशिकाएं होती हैं यह खटकोड़ीय होती हैं अथवा गोलाकार होती हैं, परंतु कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जो स्टार शेप्ड होती हैं अथवा बहुभुजी होती हैं। जैसे न्यूरॉन सेल की मैं बात करूं, यह बहुभुजीय होती है। अभी एस्टेबुलेरिया नामक शैवाल की बात हो रही थी तो यह सूत्रवत होती है। तो इस तरह से इस पॉलीगोनल और स्फेरिकल के बीच बहुत सारे आकार होते हैं, स्टार शेप्ड होता है और वह सूत्रवत होती हैं, कामारूपी होती हैं। जैसे कुछ वायरस होते हैं जिसमें जो कोशिका होती है वह कामा के आकार की होती है, कामारूपी होती है। लेकिन जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है इसमें जो सेल होती है इसका आकार एक छड़ जैसा होता है, इसलिए इसको बैसिलस फार्म कहा जाता है। कुछ ऐसे भी जो काकस फार्म बैक्टीरिया होते हैं उसमें इसकी सेल का आकार स्फेरिकल होता है, काकस फार्म कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जिसमें जो सेल होती है वह स्पाइरल होती है और उसको स्पाइरल फार्म बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरियल सेल में बहुत सारे आकार हैं इन कोशिकाओं का, जिसके आधार पर बैक्टीरिया को काकस, वैसिलस, स्पाइरल, कामा रूपी कई नाम दिया गया है। इसके बाद आइए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर भी बता दूँ। जैसे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, हमने आपको बताया है अभी कि यह जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों में पाई जाती है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है यह जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों के अतिरिक्त सभी जीवों में पाई जाती है। यह एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल है, तो इसके चारों तरफ सेलवाल के दृढ़ और निर्जीव कोशिका भित्ति होती है। यह एक मोनेरन सेल है, जिस यानी यह जगत मोनेरा के जंतुओं में पाई जाने वाली सेल है, और जगत मोनेरा के अंतर्गत
ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया आते हैं, अर्थात इसमें जो सेल पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों में पाई जाने वाली, इसमें फ्लैजलम द्वारा गमन होता है, गमनांग पाए जाते हैं। और चारों तरफ तो कोशिका भित्ति होती ही है, लेकिन प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया में पाई जाने वाली जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके चारों तरफ जो सेल वाल होती है वह बैक्टीरियल सेलुलोज की बनी होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, यानी इसमें केंद्रक के चारों तरफ यह केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए है वह सीधा कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहता है और कोशिका के अंदर वह क्षेत्र जहां आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं वह क्षेत्र न्यूक्लियाइड कहलाता है, न्यूक्लियाइड कहा जाता है। और ऐसे केंद्रक को जिसके चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है ऐसे केंद्रक को इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है, आरंभिक केंद्रक कहा जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें केंद्रक के चारों तरफ दोहरी एकक कला का आवरण होता है, केंद्रक कला का आवरण होता है और आनुवंशिक पदार्थ इस केंद्रक कला से घिरे हुए द्रव्य यानी केंद्रक द्रव्य में रहता है, यानी केंद्रक कला इस जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दो भागों में विभाजित करती है और आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए उस केंद्रक कला के अंदर पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें आरएनए और प्रोटीन की बनी हुई कलाविहीन गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका कहा जाता है। परंतु जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें यह केंद्रिका नहीं पाई जाती है। इस केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो प्रोकैरियोटिक सेल में यह केंद्रिका नहीं पाई जाती है। और भी जो अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गाल्जी बॉडीज ये संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, परंतु यूकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम्स, गाल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स ये सभी संरचनाएं पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें जो सेल वैक्यूल है यह नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में टोनोप्लास्ट से घिरी हुई वैक्यूल्स पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर चिपके हुए 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जहां यह यस को सेडिमेंटेशन कोफिशियंट कहा जाता है, अवसादन गुणांक कहा जाता है, जिसकी इकाई श्वेद वर्ग होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल की माइटोकांड्रिया और हरित लवक में, माइटोकांड्रिया और हरित लवक में 70S राइबोसोम्स ही पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें डीएनए जो इसका आनुवंशिक पदार्थ है इससे जुड़ी हुई हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से संबद्ध हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें डीएनए से संबद्ध हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन एक क्षारीय प्रोटीन होती है और जब डीएनए से यह हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है
तो उस डीएनए सूत्र को क्रोमेटिन कहा जाता है, और यही क्रोमेटिन विभाजन की अवस्था में सिकुड़ करके छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिसको वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र नाम दिया था। हालांकि नैगली नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम की खोज किया था, लेकिन क्रोमोसोम शब्द नाम दिया था वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में हमने बहुत सारा अंतर बताया। एक बहुत यूनिक अंतर जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में है, इसमें जो कोशिका भित्ति से के अंदर जो इसकी जीवद्रव्य कला पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में, यह अंदर की तरफ दो अथवा एक अथवा दो जगह अंगुलीनुमा प्रवर्धों में अंदर की तरफ धंसी रहती है, जिसको मीसोसोम्स कहते हैं। इसको मीसोसोम्स कहा जाता है, और यह मीसोसोम ही यानी प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली मीसोसोम ठीक उसी प्रकार से कार्य करती है जैसे यूकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली माइटोकांड्रिया कार्य करती है। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोसोम्स है वह यूकैरियोटिक सेल की एनालोगस ऑर्गन है, और एनालोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन को कहा जाता है जिनकी संरचनाएं तो भिन्न होती हैं परंतु कार्य एक जैसे होते हैं। अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल में जो मीसोसोम होती है इसका भी कार्य होता है एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन करना, और यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकांड्रिया होती है इसका भी कार्य होता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करना, और यही एटीपी ऊर्जा शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करती है। यानी यह बोलने में, पढ़ने में, हंसने में, चलने में, यानी शरीर की सभी जैविक क्रियाएं, हृदय के धड़कने में, पलकों के गिरने में, सांस लेने में, इन्हीं सभी इन सब में इसी एटीपी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, उसी एटीपी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, और यह एटीपी यूकैरियोटिक सेल के माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से बनती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोसोम्स में उपस्थित रेस्पिरेटरी एंजाइम की सहायता से बनती है, और इस प्रोकैरियोटिक सेल में अनाक्षी श्वसन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और यूकैरियोटिक सेल में सामान्यतः ऑक्सी श्वसन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। अब अगले वीडियो में हम लोग कोशिका और कोशिका के विभिन्न अंगकों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह वीडियो समाप्त करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको यह भी बता दूं कि पौधों एवं जंतुओं के ऊतकों के अध्ययन के आधार पर सन 1858 ईस्वी में विर्को नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के अनोखे अनियमित कार्य को जीवित पदार्थ के एक पात्र के रूप में माना। उन्होंने बताया कि कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, अर्थात आमनी सेलुला ई सेलुला, इसे ही कोशिका की वंश परंपरा अर्थात लाइन ऑफ सेल लिनिएज कहा जाता है। आधुनिक खोजों के आधार पर जे ब्रैकेट नामक वैज्ञानिक ने सन 1961 ईस्वी में कहा कि कोशिका जीवद्रव्य की एक छोटी बूंद ही नहीं बल्कि एक पूर्ण सुव्यवस्थित आणविक फैक्ट्री है जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और यही एटीपी ऊर्जा कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करती है। सन 1968 ईस्वी में सर रुडोल्फ पीटर्स नामक वैज्ञानिक ने कहा कि द लिविंग सेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन नेचर। यानी सन 1968 ईस्वी में रुडोल्फ पीटर्स नामक वैज्ञानिक ने कहा कि द लिविंग सेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन नेचर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिका के विभिन्न अंगों के संबंध में एक एक करके क्रम से उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।